हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुलदीप सिंह, टीचर ऑफ गुरु हरगोबिंद पब्लिक हाई स्कूल फतेहगढ़। टुडे बेटा वी विल डू एक्सरसाइज 3.5। हाँ जी बेटा, 3.5 दे विच बेटा उन्होंने की कहा, सब तो पहला विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्लीयर, उन्होंने की पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ट्रू पूछा बेटा, हुंदे मैं फर्स्ट आ गया ए पार्ट। इफ आ नंबर इज़ डिविजिबल बाय थ्री, जे कहना नंबर डिविजिबल बाय थ्री है बेटा, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय नाइन। ये बेटा तो फालस आजगा। क्लीयर है भी, फालस क्यों आऊगा? हम देखो थोड़ा थ्री दे थ्री का डिविजिबल बाय थ्री क्या है, थ्री फोर या ट्वेल्व, थ्री फोर या ट्वेल्व होंगे बेटा, मान के चलो थ्री फोर या ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री के टेबल से आना है, बट बेटा वो नाइन के टेबल से नहीं आता। क्लीयर है भी, ठीक है भाई, नाइन टू जार 18 इट मीनस 12 नहीं होता, तो करके बेटा फालस है। अगे भी होर भी एग्जाम्पल है कि नहीं, अगे बेटा इफ आ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 दैन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, ये ट्रू है बेटा। क्लीयर है भी, जे 9 दे 9 नाल डिविजिबल है कोई भी नंबर, तो वह हमेशा 3 नाल भी डिविजिबल है। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज़ डिविजिबल बाय 3 और 6, यही बेटा तो ट्रू होगा। नैक्सट, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ, दैन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90, सही है बेटा। जो नंबर 9 नाल भी है तो 10 नाल भी है, दोनों नाल डिविजिबल नंबर कौन सा होता है, दैन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90 बेटा, ये भी ट्रू हैगा। इफ टू नंबरस आर को प्राइम, एटलीस्ट वन ऑफ दैम मस्ट बी प्राइम। क्लीयर है बेटा, ये जरूरी नहीं है भी प्राइम होना जरूरी है या नहीं जरूरी, फालस है बेटा ये, क्योंकि दोनों हो सी प्राइम नंबर भी कोई जरूरी नहीं है भी प्राइम नंबर ही हो बेटा। क्लीयर है, आल नंबरस विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आलसो बी डिविजिबल बाय 8 बेटा, ये भी फालस है। क्लीयर है, हूँ 4 3 या 12 होंगे बेटा, 8 के टेबल से 12 नहीं आता। क्लीयर है, हाँ जी। नैक्सट अगला बेटा, अगला पार्ट के उन्होंने की कहा है जी पार्ट, आल नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट बी आलसो डिविजिबल बाय 4, ये ट्रू है बेटा, ये 3 तो 9 का ओपोजिट है भी ये। नैक्सट, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल डिवाइड्स टू नंबरस सैपरेटली इट मस्ट एक्सटर्नली डिवाइड देयर सम, ये भी ट्रू आ जूगा बेटा। क्लीयर है, नैक्सट इफ आ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द ये सम ऑफ टू, ये ओपोजिट आ गया, ये फालस आऊगा बेटा, क्योंकि उन्होंने कहा इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सैपरेटली, ये गलत है भी, ये फालस आऊगा बेटा। हाँ जी, अगे आ जाओ बेटा, हूँ तो मैं बुक के उपर ही समझा रहा, बट तुमने करना ही नोटबुक के उपर ने बेटा। सैकेंड पार्ट, हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, कहना राइट द मिसिंग नंबरस, अपने मिसिंग नंबरस लिखना बेटा। हूँ 6 टेंजर 60, क्लीयर, अगे भी 6 2 रह गया, उरे अपन फुल क्वेश्चन मार्क दिता, इतने अपने फाइंड करने भी इतने की आऊगा थोड़े को। हूँ बेटा 2 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करिए, 6 आ जाए 3 नाल, इट मीनस बेटा उरे आंसर की आ जी तुहाडा 3 आ जूगा। क्लीयर है जी, सेम इधर 5 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करिए बेटा, 10 आ जाए 2 नाल, इट मीनस उरे की आ जूगा 2। क्लीयर है, जब तुम एवं भी कर सकते हो, 10 नूं 5 नाल डिवाइड करके देख लो कि आजगा 2, इट मीनस 2 उरे, सेम बेटा 6 नूं डिवाइड करो 2 से, क्लीयर है भी, उत्थे 3 आ जूगा। हाँ जी, नैक्सट 60 13 बेटा, 13 नूं आपां किहदे नाल मल्टीप्लाई करिए भी अपने कोल 2 आ जाए, 2 नाल 13 2 जा 60, इट मीनस उरे 2 आ गया। क्लीयर है पुत्र, नैक्सट भी हूँ 10 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करिए भी अपने कोल 30 आ जाए, 10 3 जा 30, इट मीनस उरे किन्ना आ जूगा 3 बेटा। हूँ अपने कोल पिछे की रह गया बेटा, पिछे देखो अपने को रह गया 10, हूँ तुम ने 10 देखना भी किड़े किड़े टेबल जाऊंगा, 10 के बेटा देखो प्राइम फैक्टर फाइंड कर लो, वह आंसर की आजगा 2 बेटा, नैक्सट 5, बिकॉज 5 2 यार 10 होंगे बेटा। क्लीयर है भी, इन्हों का आंसर की आजगा 2 एंड 5। क्लीयर है भी, समझ लग गई। नैक्सट थर्ड पार्ट, विच फैक्टर आर नॉट इनकलूडड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ आ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर बेटा मान के चलो हूँ 12 है। क्लीयर है, जो आप एवं प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, मन के चलो 12 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर रहे हो तुम, क्लीयर है पुत्र। हूँ तुम्हें यह दसना भी वो प्राइम फैक्टराइजेशन का किहड़ा है जिहा फैक्टर है जो इनकलूड नहीं हो रहा है कंपोजिट नंबरस का, क्लीयर है, यदा आंसर आऊगा 1 बेटा। क्लीयर है भी, यदा आंसर की आऊगा 1। हाँ जी बेटा, यद आंसर लिखना कि मैं तुम्हें थर्ड पार्ट का आंसर किमें लिखना है, 1 इज नॉट इनकलूडड इनकलूडड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। क्लीयर है भी, एवें लिखना है। अगे आ जाओ बेटा फोर्थ पार्ट से,
फोर्थ पार्ट बेटा उन्होंने की कहा बुक तुसी बुक दे ऊपर भी देखो राइट द ग्रेटर ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर हूँ ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर कितना हो जाएगा बेटा 999 इज अ ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर ये की है तुहाडा ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर है जी क्लीयर है भी उस तो बाद तुसी ने की करना बेटा ये प्राइम फैक्टर फाइंड करने ने हूँ प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड कर देते हैं बेटा आ मेथड होंगे बेटा हाँ जी ये फैक्टर फाइंड करोगे हाँ जी देखो बेटा 9999 हाँ जी बेटा ये सब तो पहला 3 के टेबल पर जाएंगे 3 3 या 9 3 3 या 9 3 3 या 9 3 3 या 9 नैक्सट भी फिर बेटा ये अगेन 3 पर जाएंगे 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 हाँ जी नैक्सट हाँ जी बेटा 11 के टेबल पर जाएंगे पुत्र हाँ जी 11 पर देखो भी 11 1 जा 11 क्लीयर है फिर 11 0 जा 0 11 1 जा 11 हूँ बेटा जो 101 है ये प्राइम फैक्टर है ये 101 पर चला जाऊगा हूँ 9999 दे प्राइम फैक्टर की आ गए 3 × 11 × 101 क्लीयर है जी यह फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट बेटा सेम ये नाल दा उन्होंने की कहा है राइट द समालेस्ट 5 डिजिट नंबर समालेस्ट 5 डिजिट नंबर बेटा तुसी लिखना है उस तो बाद एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक है वो प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर फाइंड करने ने भी सिक्स्थ भी बेटा इन्हां नाल दा ही है फाइंड आल द प्राइम फैक्टर ऑफ दिस सेम बेटा ये प्राइम फैक्टर फाइंड करने ने जिवें तुहानूं हुण मैं मैथड करवाया गा एंड अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर उन्होंने बेटा असेंडिंग ऑर्डर के अपने अरेंज करना है नाओ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जीक्यूटिव प्राइम नंबरस स्टेट की करना बेटा जो प्राइम फैक्टर आने उन्होंने विचार बस डिफरेंस देखना भी किन्ने देगा क्लीयर है भी ये आ गया सिक्स्थ पार्ट हिंट दे दो अपने आप कर लियो भी क्लीयर है भी अज का जो होमवर्क है तुसी ने फस्ट सिक्स पार्ट करने भी आ एक्सरसाइज फस्ट है ट्रू और फॉल्स ठीक है सैकेंड थोड़ा अपना ट्री वाला मैथड दस्या होया थर्ड बेटा मैं तुम्हें करवा चुके हैं फोर्थ करवाता फिफ्थ तो सिक्स्थ पार्ट ने जोड़े वो अपना फोर्थ पार्ट नाल देने क्लीयर है भी ये अज का थोड़ा होमवर्क है भी एक्सरसाइज 3 पॉइंट बेटा फिफ्थ का तुसी ने यह पार्ट करने भी सिक्स हाँ जी बेटा थैंक्स स्टूडेंट्स